बहुत थक गया आज यार, बहुत काम था ऑफिस में आज। राहुल तुम लोग वापस लौटा? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, ट्रिप अच्छी नहीं थी क्या? नहीं नहीं मॉम, ट्रिप बिल्कुल ठीक थी। इनफैक्ट बहुत माइंड ब्लोइंग थी। वैसे ही थक गए थे और घर की याद आ रही थी, तो हमने सोचा कि कट शॉर्ट कर लेते हैं। इन्हें देखो, इन्हें तो वैष्णो देवी भेजना चाहिए था। इनको देख के लगता है कि इनकी उम्र तीर्थ यात्रा करने की हो गई है। अरे हनीमून पे गए हो, घर वालों को मिस कर रहे थे, क्या बात है। ओ नो, ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? कबीर ने ऐसा क्या किया होगा इन लोगों के साथ? रिजॉर्ट से इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ, रिजॉर्ट अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं ब्रो, इट वॉज रियली नाइस। इनफैक्ट वो रिजॉर्ट बहुत अच्छा था, वही रिजॉर्ट सबसे बेटर था। यार घर की बहुत याद आ रही थी, वी फीलिंग सो होमसिक, आदत नहीं है ना, तो हमने सोचा कि यहीं आके मना लेते हैं रेस्ट ऑफ द हनीमून। बट थैंक्स एनीवेज, वेरी स्वीट ऑफ यू। अब आ गए तो क्या कर सकते हैं, जाओ जाकर रूम में फ्रेश हो जाओ, आराम करो, खाना में भिजवा देते हैं। थैंक्स। जवाब दो कबीर। यामिनी जी वो नहीं, यामिनी वो मुझे बेवकूफ बनाने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं जानती हूं तुम किस सिंह की बात करें, वही सिंह जिसकी ताकत से राहुल ने मेरे पति युगांत को मारा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। बता दो यामिनी जी, मुझे पता है कि आपसे कुछ नहीं छुप सकता। देखिए यामिनी जी, मुझे गलत मत समझिए, मैं राहुल और मानवी से उस रात से पहले भी एक बार मिल चुका हूं। उन्होंने हमारे कुल देवता, हमारे मालिक का सींग चुराया, इसीलिए उनसे मेरा पहले भी सामना हो चुका है। यामिनी जी वो हम जैसे लोगों से नफरत करते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं हम लोगों को, क्योंकि उनके पास हमारी जैसी ताकतें नहीं है, इसीलिए वो ये सींग पाकर हमारी सब शक्तियों को लेना चाहते हैं ताकि वो इस दुनिया पे राज कर सके, हम नहीं। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताता यामिनी जी, ऑलरेडी आप इतनी टेंशन में हैं, क्या सब हो रहा है, और आप टेंशन मत लीजिए यामिनी जी, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। नहीं, अब तुम कुछ हैंडल नहीं करोगे। जो कुछ करना है वो मैं करूंगी। अब उस सींग को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है, उस सींग को मैं ढूंढ निकालूंगी अपने तरीके से। ग्रेट, फिर तो वो सींग भी मिल जाएगा और राहुल और मानवी से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तुम पे मुझे पूरा भरोसा है यामिनी, सबरवाल हाउस तुम नहीं, उनकी मौत जा रही है।